आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। पीएम के कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं शामिल होंगे और महिलाओं को करोड़ों रुपए की आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रकम से करीब 16 लाख महिलाएं सीधा सीधा लाभान्वित होंगी। बैंकिंग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे, यानी कि जो अभी तक योजनाएं हैं उनसे किस तरीके से फायदा मिल रहा है महिलाओं को। और आज का भी जो कार्यक्रम है वो भी बेहद खास है, क्योंकि आपको बता दें जो रकम दी जाएगी यानी कि 16 लाख महिलाएं उससे सीधा सीधा लाभान्वित होंगी। बिल्कुल, आज मातृ शक्तियों को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से मिलने वाली है। करीब 2 लाख महिलाएं आज प्रयागराज में उस वक्त मौजूद होंगी जब प्रधानमंत्री का वहां पर संबोधन होगा। साथ ही करोड़ों रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं और आपको बता दें 16 लाख महिलाएं इससे सीधा सीधा लाभान्वित होंगी। इतनी बड़ी एक तरह से मातृशक्ति का ये कुंभ क्षेत्र में कुंभ लगने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आगमन हो रहा है। हम सब मातृशक्ति के स्वागत के लिए भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी स्वागत के लिए और मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो महिलाओं के कौशल को बल मिलेगा। प्रयागराज से मिशन यूपी का ये आगाज हो चुका है। 4 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 16 लाख महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करेंगे, उनको सौगात भी देंगे। नारी सम्मान से चुनाव का क्या शंखनाद भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संगम नगरी में महिलाओं का महाकुंभ। 2.5 लाख महिलाओं से पीएम का सीधा संवाद। परेड मैदान में आधी आबादी को सौगात। 2022 के चुनावी युद्ध में भगवा पताका फहराने के लिए बीजेपी ने यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वनाथ धाम और काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद अब बारी आधी आबादी की है। पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी चौथी बार यूपी के दौरे पर है और आज उनका प्रयागराज का कार्यक्रम है, जहां परेड मैदान में होने वाले मातृशक्ति महाकुंभ में यूपी के 75 जिलों से आई लाखों महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री को दोपहर में यहां पहुंचना है और यहां पर महिलाओं को बुलाया गया है और खासतौर से 75 जिलों के 826 ब्लॉक और 58,000 ग्राम पंचायतों से महिलाएं बुलाई गई हैं। पीएम इन महिलाओं को संबोधित करेंगे और उन्हें सम्मानित करने के साथ ही कई योजनाओं का तोहफा भी देंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी, बीसी सखी योजना की लाभार्थी, कम्युनिटी सैनिटेशन की लाभार्थी, टेक होम राशन की लाभार्थी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम के जरिए पीएम स्वयं सहायता समूह के खाते में 1,000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करेंगे। साथ ही 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश की 1,01,000 बेटियों के खाते में पीएम कन्या सुमंगला योजना की राशि भी ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री शुरू से अपने कार्यक्रमों में देश के हर क्षेत्र की महिलाओं को शामिल करते रहे हैं। उनसे सीधा संवाद करना, उनकी समस्याएं जानना और उनकी तरक्की के लिए नए प्रयास करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर स्वरोजगार से जुड़ी तमाम महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। राज्य के कई जिलों से महिलाएं प्रयागराज पहुंची हैं। दरअसल उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम के सहारे पीएम मोदी ने इस वर्ग का दिल जीता है। वैसे भी पिछले एक दशक में ये ट्रेंड रहा है कि हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स बीजेपी के लिए जीत का साइलेंट फैक्टर बनती जा रही हैं। मित्र के तौर पर बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। साइलेंट वोटर्स है देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बहुत देर से ही सही, मगर इसे समझने का दावा करने वाली कांग्रेस ने इस बार जहां यूपी चुनाव में महिलाओं के लिए 40% सीट का वादा किया है, तो एसपी मुखिया अखिलेश यादव यूपी में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। लिहाजा मातृशक्ति महाकुंभ कर पीएम मोदी और सीएम योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वरोजगार के जरिए महिला सशक्तिकरण में वो तमाम विपक्षी पार्टियों से काफी आगे की सोच रखते हैं। बीजेपी सरकार की योजनाओं वाली सियासी किलेबंदी का तोड़ ढूंढना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।